बच्चों, आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को दबाइए, घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको नई से नई कहानियाँ एवं वीडियो सुनने को मिल सके। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। भगवान भगवान तो कण कण में समाए हुए हैं। हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। भगवान ही इस संसार के पालनहार हैं और वो ही इस संसार को चला रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भगवान को मानते ही नहीं हैं। उनको तो सिर्फ पत्थर की प्रतिमा ही मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज भी भगवान सब जगह मौजूद हैं और अपनी प्रार्थना सुनते हैं। बच्चों, इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कथा सुना रही हूँ। कथाएं तो सारी प्राचीन ही हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए सुनाती हूँ कि हो सकता है कि किसी भी कहानी को सुनकर आपको थोड़ा सा भगवान के प्रति स्नेह हो जाए। सुनिए, एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अधिक पढ़े लिखे थे, बहुत अधिक विद्वान थे। वो अंग्रेजों की हर चीज़ को बहुत अधिक महत्व देते थे और अंग्रेजी पढ़े थे, इसलिए अंग्रेजी ही बोलते थे। अंग्रेजी में सबसे बात करते थे, हिंदी तो बोलते नहीं थे, क्योंकि उनको घमंड था कि हमें अंग्रेजी बहुत अधिक आती है और मैं तो बहुत फटाफट अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ तक कि नौकरों को भी डांटते तो अंग्रेजी में, कुत्तों को भी अगर खिलाते तो अंग्रेजी में, अपने बच्चों से भी बात करते तो अंग्रेजी में, और जो है क्या कहलाते, नाती पोतों को भी खिलाते तो भी उनसे भी अंग्रेजी में बात करते। चाहे किसी की समझ में आए या ना आए, वो तो अपनी ही अंग्रेजी अंग्रेजी झाड़ते रहते थे। उनको तो सिर्फ अंग्रेजी ही का घमंड था कि मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत अंग्रेजी आती है, हिंदुस्तान में किसी को अंग्रेजी नहीं आती है, मैं ही एक ऐसा हूँ जिसे बहुत अधिक अंग्रेजी आती है। और उस गांव में किसी को अंग्रेजी आती भी नहीं थी उस समय। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके लड़के को बहुत अधिक बीमारी हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई। उन्होंने डॉक्टरों को भी दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। हकीमों को भी दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। खूब महंगी महंगी दवाइयाँ खिलाईं, अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन उस बच्चे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता ही जा रहा था। तो वो बहुत परेशान थे, बाबूजी बहुत परेशान थे। क्या करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन एक साधु उनके दरवाजे से निकले, तो उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, तो उन्होंने उस साधु महाराज को भिक्षा तो दे दी, लेकिन फिर कहने लगे कि हमारा बेटा बहुत अधिक बीमार है, आप कोई उपाय बता सकते हो तो बताइए। तो साधु तो वैसे ही साधु स्वभाव होता है, सबकी मदद करते हैं, बहुत नेक होते हैं। तो उन्होंने कहा बाबूजी, आप एक काम करिए कि आप जो है हनुमान जी के मंदिर में मंगल और शनिवार को चूल्हा चढ़ाया, ये सिंदूर का, और भगवान को लड्डू के भोग लगाइए, बेसन के लड्डू ले जाइए या बूंदी के या मगध के, कोई भी ले जाइए, और हनुमान जी को भोग लगाइए और चूल्हा चढ़ाइए, तो आपका बेटा अच्छा हो जाएगा। तो वो बाबूजी हंसने लगे, कहने लगे साधु महाराज, मैं इतने महंगे महंगे डॉक्टरों से दवाई करा चुका हूँ, इतने महंगे महंगे डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, आप बताइए वो पत्थर के देवता मेरा क्या करेंगे, मेरे बेटा का कोई भला नहीं होगा। उन्होंने कहा आपको भगवान पर विश्वास तो रखना चाहिए, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए। तो वो कहने लगे ठीक है, इतना खर्चा किया है, इतना सब डॉक्टरों को दिखाया है, इतनी महंगी महंगी दवाई कराई है, तो आपकी भी बात मान लेते हैं, और जो है हम हनुमान जी को मंगल और शनिवार चूल्हा भी चढ़ाए आएंगे और भोग भी लगाए आएंगे। तो वो गए, तो उनने अच्छा बढ़िया सिंदूर लिया, शुद्ध घी लिया,
और बढ़िया बेसन के 1.25 किलो लड्डू लिए और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए आए। पर उनके मन में कोई श्रद्धा तो थी ही नहीं, भगवान को भोग थोड़ी चाहिए, भगवान भोग तो खाते ही नहीं है, वो तो अपन दिखा के और खा लेते हैं सब लोग। तो भगवान का कुछ उनने ध्यान ही नहीं किया, सिर्फ घमंड में गए, 1.25 किलो बेसन के लड्डू का भोग लगा दिया और घर आ गए। और आए तो फिर शनिवार को साधु जी निकले, तो उन्होंने कहा हम तो खूब भोग चढ़ाया है लेकिन उनको तो, हमारे बेटे को तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो साधु महाराज ने कहा कि देखो एक काम करो कि आप मेरे को दे दो सिंदूर चोला और घी दे दो और क्या कहलाते हैं बेसन के लड्डू दे दो, तो जितनी आपकी श्रद्धा हो 1.25 किलो नहीं तो आप 1.25 पाव दे दो। तो बाबूजी गए तो बाबूजी ने उनको सिंदूर घी और क्या कहलाते हैं भगवान के लिए बेसन के 1.25 किलो लड्डू ला दिए। बोले भाई आप भी चढ़ा के देख लो। तो साधु महाराज ने कहा ठीक है। साधु महाराज जी गए, साधु महाराज जी ने बड़े ध्यान से भगवान की पूजा की, उनको भोग लगाया, उनको आरती की और अच्छे पुष्प चढ़ाए और 15-20 मिनट भगवान की प्रार्थना की कि हे प्रभु अब मेरी लाश तो आपके हाथ में है, हे दीनानाथ हे हनुमान जी महाराज अब मेरी लाश तो आपके हाथ में है, आप मेरी लाश बचा लीजिए और बाबू जी के बेटे को ठीक कर दीजिए। और बाबा जी आए साधु महाराज और उन्होंने वह भोग उस बेटे को दिया और मत्थे पे सिंदूर लगाया हनुमान जी का। तो थोड़ी देर में उनका बेटा भला चंगा हो गया, उठ गया, बैठने लगा, बातें करने लगा। तो यह चमत्कार देखकर बाबूजी बड़े अचंभित हुए। उन्होंने कहा साधु महाराज हमने भी भोग चढ़ाया था, हमने भी सिंदूर का चोला भगवान को अपने हाथों से लगाया था लेकिन मेरे लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ। ये बताओ कि तुमने लगाया और वही सिंदूर तुमने आए हनुमान जी का और तुमने मेरे बेटे को लगा दिया और भोग खिला दिया और मेरा बेटा भला चंगा हो गया, तो ये क्या है? उन्होंने कहा देखो बाबू जी आपको बुरा नहीं लगे, हम भगवान की भक्ति आत्मा से करते हैं, हम दिखावे के लिए नहीं करते कि जय हो भगवान, घंटी हम दिखाने के लिए भगवान को नहीं बजाते, हम उनको बुलाने के लिए बजाते हैं, तो हमारे बुलाने पे भगवान साक्षात आ जाते हैं और हमारा काम बना जाते हैं। और आपने भगवान को घमंड दिखाया, भगवान को घमंड दिखाया आपने कि दो हम अब 1.25 किलो लड्डू का भोग भी लगा दे रहे हैं, तो आपकी भगवान प्रार्थना कैसे सुनते, आप ही बताइए। अच्छा आप किसी को अगर घमंड दिखाएंगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको कोई मान देगा? मान सम्मान तो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह प्रभु का है, प्रभु को भोग तो चाहिए ही नहीं है, प्रभु को भोग नहीं चाहिए, प्रभु तो उस भोग में अपनी कृपा दृष्टि डाल देते हैं और उसको खाने से हम सबका कल्याण होता है, इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। नहीं तो भगवान तो भोग खाते नहीं हैं, ये तो सारा संसार जानता है लेकिन उसका महत्व तुम लोग जानते ही नहीं हो, क्योंकि जो भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को जो भोग अर्पित करते हैं उसमें भगवान अपनी करुणा अपनी दया उसमें सम्मिलित कर देते हैं और उस भोग को जो भी प्राणी खाता है उसका कल्याण तो निश्चित ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः जो भी पूजा करो 2 मिनट की करो, 1 सेकंड की करो, 2 सेकंड की करो, लेकिन इतना तो भगवान का स्मरण करो पक्के मन से सच्चे दिल से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार ना करें। भगवान को दिखाओ नहीं, भगवान को घमंड नहीं दिखाओ, भगवान को पुष्प अर्पित करो, फल अर्पित करो, नैवेद्य अर्पित करो, उस सबको खुद ग्रहण करो, दूसरों को ग्रहण करवाओ, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा दृष्टि आ जाती है, उस प्रसाद को पाने से सबका भला होता है। और प्रसाद का वितरण जितना अधिक से अधिक किया जाए उतनी ही उसमें भगवान को संतुष्टि मिलती है और उतने ही लोगों का कल्याण होता है।
बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम सच्चे मन से, अच्छे मन से, सच्चे मन से प्रभु को भजें, उनका स्मरण करें, उनको बिल्कुल ना भूलें, तो हमारा तो कल्याण है ही और साथ में दूसरों का कल्याण भी हो सकता है, हो सकता है। आप हमारी कहानियों को सुनें और उनको मनन करें, हो सकता है आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में थोड़ा सा भगवान के लिए स्नेह उत्पन्न हो जाए और आप भी एक क्षण प्रभु को, एक ही क्षण सही, एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि एक सेकंड, आधे सेकंड, जितने भी आपकी इच्छा हो उतने भगवान को भजो, भजने से भगवान आपकी सारे कष्टों को हरण कर लेते हैं, आपका भी शायद कष्ट भगवान हरण कर ले। और हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रभु का भी भजन करिए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भैया हम तो कैंसर से अच्छे हुए हैं और हमने अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है, आप भी हमारे संग थोड़ा सा भजन करिए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।